Hi beauties, I am Abha and welcome back. So काफी दिनों के बाद आज चैनल पर एक वीडियो आ रहा है. Today's video is all about winter-friendly pregnancy, feeding and maternity outfit. And also ये जो सारे outfit मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ, ये pregnancy के साथ साथ normal ladies, normal girls भी carry कर सकती हैं. काफी beneficial हैं ये सारे ही जो outfit हैं, काफी comfortable हैं, winter-friendly हैं, बहुत warm हैं, बहुत soft and cozy हैं. तो चलो जल्दी से video start करते हैं. दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें purchase करी हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हो और फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद द बेल आइकन. एंड नाउ लेट्स बिगिन. तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ समय पहले ही मैंने मेरी सेकंड डॉटर को डिलीवर किया. 5 महीने हो चुके हैं और अभी हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो चल ही रही है और वो थोड़ा दिन और कंटिन्यू रहेगी. अब सर्दियों का मौसम आ गया है. मेरे साथ साथ आप सब लोग अपनी अपनी वार्डरोब रीसेट कर रहे होंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से आप चीजें परचेज कर रहे होंगे. फिलहाल जो मेरी रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा वो है कि मैं अच्छे अच्छे फीडिंग आउटफिट तो परचेज कर लेती हूँ, अच्छी ड्रेसेस परचेज कर लेती हूँ, लेकिन विंटर में क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिसको मैं पहनूं तो मुझे आरामदायक लगे, मुझे गर्म भी फील हो, ठंड से भी मैं बच जाऊं एंड ऑल्सो आराम से मैं अपने बेबी को फीड भी करा पाऊं, मुझे मुश्किल नहीं हो. सो ये सारे ही आउटफिट स्पेशली फीडिंग मॉम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. एंड ऑल्सो अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल सीजर कुछ भी, तो भी आप इसे बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं. एंड इन सभी के साथ नॉर्मल लेडीज एंड गर्ल्स भी नाइट वेयर इन विंटर गाउन को कैरी कर सकती हैं. और इनका जो भी प्राइस डिटेल होगा वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो इसका परचेज डिटेल एंड लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो पहला जो विंटर गाउन है बहुत ही क्यूट है. पहला ड्रेस है मेरा ये वाला, पिंक कलर का, इस पे व्हाइट कलर का पोल का डॉट बनाया हुआ है, सामने से चेन मिल जाती है, ऐसे फ्लैप ओपन होता है और आप बेबी को फीड करा सकते हो आराम से. यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हुड भी, यानी इसमें कैप भी अटैच करी हुई है. ठंड का टाइम है, सर को कवर करके रखना ही होता है स्पेशली न्यू मोम्स के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अलग से आपको स्कार्फ लेने की जरूरत नहीं है. नेक भी कवर रहने वाला है क्योंकि कैप अटैच है इसके साथ में. और इसमें आपको मिल जाती है 3/4 लेंथ की स्लीव, ये फुल स्लीव नहीं है, 3/4 आती है, यानी कि कलाई से थोड़ा सा ऊपर आती है. इसकी जो लेंथ है वो पूरी फुल लेंथ आ जाती है एंकल तक. मेरी हाइट है 5'5". आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि आपको इसकी लेंथ क्या आने वाली है. ऑल्सो इसमें आपको मिल जाता है पॉकेट भी, इसका भी यूज आप कर सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा पॉकेट है. मटेरियल बहुत सॉफ्ट है अंदर से, ये है मटेरियल, ब्लैंकेट वाला जो मटेरियल होता है ना ये वो है. ये जो गैदर्स आपको मिल रहे हैं ना, ये गैदर्स पूरे नीचे तक आते हैं, फॉल करते हैं और इसकी वजह से वेस्ट पर ये काफी ज्यादा फ्लेयरी हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है. काफी अफोर्डेबल नाइटवेयर हैं, मुझे इसीलिए काफी अच्छा लगे कि इतने कम रेट में आपको मिल जा रहे हैं. आप 4 से 5 ऑप्शन अपने लिए खरीद सकते हो, अदरवाइज लगता है ना यार इतना एक्सपेंसिव जा रहा है, 3 से 4 हजार रुपए कौन वेस्ट करे एक आउटफिट पे, ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है, आपको पता नहीं, आप बताना कि आपको भी ऐसा लगता है. सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कलर चेंज है, इसमें भी ये वाला कलर अवेलेबल था. ये मैंने लिया है थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर है, मडी टाइप का कलर है. इसमें भी आपको पोल का डॉट मिलता है व्हाइट कलर का, फुल लेंथ स्लीव इसमें आपको मिल जाती है. इसमें आपको मिलता है कॉलर, ये कॉलर आपको पूरा कवर करके रखता है बैक से. सामने आपको मिल जाती है जिप, ओपन करके बेबी को फीड करा सकते हैं. अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे परचेज कर लिया है तब तो आगे आपका बहुत काम आने वाला है. और अगर आपकी अभी डिलीवरी हो रही है, आप प्रेग्नेंट भी हो, तो भी आप अभी इसे परचेज कर सकते हो, आगे यूज कर सकते हो. इसमें भी आपको सामने बस्ट पे गैदर मिलते हैं, सामने वेस्ट पर ये काफी स्पेस मिल जाता है. इसकी भी लेंथ पूरी है, पूरी नीचे तक आती है लेंथ, यानी कि एंकल लेंथ है, फुल साइज लेंथ है. इसमें आपको मिल जाता है 1 साइड पॉकेट. तो इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है, वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट था, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, सॉफ्ट ये भी है काफी. अंदर से ये वाला मटीरियल है ऐसा और बाहर से ये मटीरियल है ऐसा. ओके सो इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये 3 विंटर नाइट वेयर. ये 2 तो एक जैसे ही हैं बिल्कुल, सिर्फ कलर चेंज है, तो मैं एक आपको ओपन करके बताती हूँ. इस तरीके से ये 2 हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर इनका चेंज है. ये मैंने परचेज किया है एक ब्लू कलर में और एक मैंने लिया है पिंक कलर में. ये फ्लीस फैब्रिक में है, एक साइड से आपको पूरा फ्लैट दिखता है, अंदर से ये वार्म मटेरियल है. इसमें आपको मिल जाता है स्टैंड कॉलर, सामने मिल जाती है जिप, ओपन करिए, अगेन सेंटर से ओपनिंग है, तो ऐसे ओपन करके बेबी को फीड कराया जा सकता है. यहाँ पर योग पे एम्ब्रॉयडरी मिलती है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। पिंक कलर का पीस है, बस्ट पे गैदर्स हैं और ये वेस्ट पे पूरा फ्लेयरी है। अच्छा खासा स्पेस है इसमें, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला, बहुत आराम लगने वाला इसे पहनने पर। ये भी फुल साइज नाइट वेयर है, कंफर्टेबल तो है ही, वार्म भी है। इसमें आपको मिल जाती है फुल लेंथ की स्लीव भी, विच इज वेरी गुड। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का आउटफिट लेना जो कि ज्यादा नाइट सूट टाइप का आपको फील कराए और थोड़ा ड्रेस टाइप का भी फील कराए, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नाइट सूट जैसा फील कराए और थोड़ा सा गर्लिश भी फील आए, तो आप ये वाला ले सकते हो। ना नेक्स्ट मैंने लिया बहुत ही प्रिटी सा विंटर गाउन है। इस तरीके का स्ट्राइप पैटर्न में बनाया हुआ है, ग्रे एंड रेड कलर में। इसमें आपको ब्लू एंड पर्पल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाती है 3/4 लेंथ की स्लीव। मैं इसे 3/4 लेंथ ही बोलूँ क्योंकि ये मुझे फुल स्लीव नहीं आ रहा है, यहाँ तक की लेंथ है इसकी। एंड सामने आपको योग पे मिल जाती है एम्ब्रॉयडरी। थोड़ा सा टी शर्ट ड्रेस वाला जो लुक होता है ना, वो भी आपको मिलेगा इस वाले गाउन में। दो इसमें भी सामने से ओपनिंग है, सेंटर ओपनिंग है, चेन लगाई हुई है, ऐसे ओपन किया और बेबी को फिट करा सकते हो आप। इसकी भी फुल लेंथ है, नीचे आपको एंकल तक आती है। पहनने पे काफी कंफर्टेबल फील कराता है ये वाला नाइट वेयर, स्ट्रेचेबल है और वेस्ट पर भी अच्छा खासा कपड़ा दिया हुआ है, तो आपको टाइट फील नहीं होगा इसे कैरी करने के बाद भी। एंड ऑल्सो ये लाइट वेट भी है, बहुत ज्यादा एकदम कोजी और गर्म टाइप का कपड़ा नहीं है कि बिल्कुल आपको गर्मी ही लगने लग जाएगी। सो इस तरह की चीजों में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने गाउन लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे गाउन से, थोड़ा आपको रॉयल सा फील कराएगा क्योंकि ये है वेलवेट मटीरियल में। मैंने पहली बार ये वेलवेट मटीरियल का कोई गाउन या ड्रेस परचेज किया, मेरे पास ऐसे ड्रेसेस नहीं है, स्पेशली वेलवेट में नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसलिए इसे परचेज किया। ना ये जितना खूबसूरत दिख रहा था फोटो में अमेजोन पर, उतना ही ये सामने भी है। मुझे तो एकदम मजा आ गया सारी चीजें परचेज करने के बाद में कि अमेजोन पे इतने अच्छी चीजें भी मिल जाती है, वो भी अपने बजट में मिल जाती हैं। द बेस्ट पार्ट की कपड़े अच्छे आए हैं सारे के सारे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। सो इसमें भी आप देखो तो सामने वही पैटर्न दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, छोटे छोटे से बूटे बनाए हुए हैं, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी है। सामने से चेन मिलती है, ओपनिंग की हुई है, यहाँ से ओपन करके बेबी को ऐसे फिट करा सकते हैं और इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो चेन की क्वालिटी भी अच्छी है, मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है, जो एम्ब्रॉयडरी करी हुई है वो भी फाइन है, फिनिश चुभने वाला नहीं है। मटेरियल सॉफ्ट है, लाइट वेट है और इसमें आपको मिल जाती है 3/4 लेंथ की स्लीव। इसमें आपको रिबन भी मिलता है टाई करने के लिए, इफ यू वांट आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे निकाल भी सकते हो। ये भी फुल लेंथ गाउन है, एंकल तक आती है। पहनने पे बहुत अच्छा लुक आ जाता है और अगर आप इसे पहन के रखते हो घर में और कोई अचानक से कोई गेस्ट आ गया घर में या फिर मिलने के लिए कोई आ गया होता है ना कि नई नई माँ है या फिर आप वुड बी मॉम है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है मिलने के लिए, हालचाल लेने के लिए। तो ऐसे में जो रेगुलर गाउन या फिर नाइटी वगैरह हम पहन के रखते हैं घर में, कितनी अजीब सी लगती है ना, अच्छा नहीं लगता और हमें ऐसा लगता है यार जाके चेंज करके आ जाओ ड्रेस, लेकिन ऐसे मोमेंट पे चेंज करना इजी नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे कुछ स्टफ परचेज करो, उसे कैरी करो कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े, कोई आया गया कुछ भी हुआ तो आपने एक अच्छा गाउन कैरी करके रखा हुआ है विंटर में भी, और ये आपको कंफर्ट देने के साथ साथ लुक भी देगा। इसमें भी आपको मिलता है स्टैंड कलर, एम्ब्रॉयडरी सिर्फ सामने करी हुई है, बाकी पूरा गाउन ये प्लेन है। ये जो मटेरियल है वो स्ट्रेचेबल है, तो पहनने पे आपको खिंचाव या फिर टाइट सा फील नहीं होता है इस फैब्रिक में। नेक्स्ट एंड माई लास्ट विंटर गाउन इज, ये मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। ऐसे वाले जो चेक्स वाले मटेरियल में कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए मुझे ये वाला काफी पसंद आया। इसमें एक कलर और था बट मुझे ब्लैक एंड रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। वो सब भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसमें आपको मिल जाता है सामने योग पर कुछ ये एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनाई हुई है। सामने आपको मिल जाते हैं जिप, इसे ओपन करो और इस तरीके से ओपन हो जाता है और बेबी को आप फिट करा सकते हैं आसानी से। इसके बाद इसमें देखो आप तो आपको मिल जाती है फुल लेंथ की स्लीव, पूरी फुल लेंथ की स्लीव है। मुझे ये काफी अच्छा लगा इसमें और अच्छा कपड़ा दिया हुआ है, बड़ा है, फ्री साइज गाउन है। आपकी हाइट थोड़ी कम है तो नीचे से आप ट्रिम करा सकते हो, कटवा सकते हो। साइड में आपको मिल जाता है पॉकेट भी, इन सभी ड्रेसेस में साइड में पॉकेट है। उस पॉकेट की जो लेंथ है, अंदर डेप्थ है, वो काफी अच्छी है। अब मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, वार्म मटेरियल है, जो वूलन मटेरियल होता है ना शर्ट वाला, अंदर से मटेरियल ऐसा है, बाहर से ऐसा है और टच करने पे काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सो गाइज दिस इज इट, और ये सारे ही ड्रेसेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, पहनने के बाद में मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सिर्फ जो ड्रेसेस एंड गाउन फुल स्लीव में है वो मुझे ज्यादा पसंद आए हैं। सो अगर आपको भी इनमें से कोई ड्रेस कोई गाउन पसंद आया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके वार्डरोब में होना चाहिए जिससे कि आप इस विंटर में अच्छे से पहन पाओ, कैरी कर पाओ और ठंड से बच जाओ। तो इसके लिए आपको परचेज लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये गाउन एंड ड्रेसेस अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।